भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में भारत की पहली पारी में ही विराट कोहली के आउट होने पर विवाद हो गया है। अंपायर ने LBW दिया, गेंद पहले बल्ले पर लगी या पैड पर लगी, टीवी अंपायर भी नहीं बता पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के आउट होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विराट कोहली 44 रनों की बल्लेबाजी कर रहे थे। डेब्यू टेस्ट खेल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर मैच्यू कुहनेमन की बॉल विराट कोहली के बैट पर लगी या पैड पर लगी, अंपायर नितिन मेनन ने विराट कोहली को आउट करार दिया। भारतीय बल्लेबाज ने रिव्यू भी लिया, लेकिन रिप्ले से यह साफ ही नहीं हो पाया कि गेंद पहले बैट पर लगी है या पैड पर लगी है। थर्ड अंपायर ने ग्राउंड अंपायर के फैसले को बरकरार रखा और विराट कोहली को पवेलियन लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में यह वाक्या ट्रेंड करने लगा। आपको बता दें कि विराट कोहली अंपायर के डिसीजन से पहले ही नाखुश दिख रहे थे। रिव्यू लेने के बाद विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के पास जाकर बात करते भी नजर आए। ड्रेसिंग रूम में रिप्ले देखने के बाद तो वे और ज्यादा नाराज नजर आए। फैंस और क्रिकेट पंडितों में विराट कोहली के विकेट को लेकर गुस्सा देखने को मिला। विराट कोहली के विकेट के कुछ देर बाद ही विराट कोहली ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। भारतीय फैंस ने अंपायर के डिसीजन को गलत बताया। भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी अंपायर के फैसले का विरोध किया। इस मामले में थर्ड अंपायर ने फील्ड अंपायर के डिसीजन को बरकरार रखा। जब थर्ड अंपायर के पास फील्ड अंपायर के डिसीजन को पलटने का कोई खास सबूत नहीं होता, तब उसे फील्ड अंपायर के फैसले को ही कायम रखना पड़ता है, उनके निर्णय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर फील्ड अंपायर विराट कोहली को नॉट आउट देते तो वे बच जाते। बॉल पहले कहां लगी यह स्पष्ट ही नहीं था, साथ ही बॉल स्टंप पर लगती या नहीं इस मामले में DRS अंपायर कॉल बता रहा था। इसलिए अगर नितिन मेनन नॉट आउट देते तो विराट कोहली अपनी पारी जारी रख पाते, लेकिन उन्होंने आउट दे दिया तो विराट कोहली को नाखुश होकर गुस्से में होकर पवेलियन लौटना पड़ा और थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और अंपायर के डिसीजन को गलत बताते नजर आए। जहां तक कि अगर देखा जाए तो अगर वह अंपायर नॉट आउट देता तो विराट कोहली नॉट आउट होते और आउट दे दिया तो आउट हो गए, क्योंकि वह कन्फर्म ही नहीं हो पाया कि पहले गेंद बैट पे लगी है या नहीं लगी है, पैड पे बाद में लगी है और DRS लिया गया था जो उसका अंपायर कॉल बता ही रहे थे, लेकिन नितिन मेनन ने पहले ही आउट दे दिया था। अब आपको बता दें कि अगर विराट कोहली क्रीज पर खड़े रहते तो शायद भारत का स्कोर और बड़ा होता। हालांकि अक्षर पटेल और अश्विन ने पारी को संभाला जरूर, लेकिन जो विराट कोहली कर पाते शायद वो अलग स्कोर खड़ा होता। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।